हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आइए आज हम बेबी कुर्ता कटिंग और स्टिचिंग करें। इसके लिए ये हमारे पास 1 मीटर कपड़ा है और एक साइड में इसके काने की पट्टी है, बाकी प्रिंटेड कपड़ा है। तो हम इसको फ्रंट ओपन कॉलर वाला कुर्ता कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो फर्स्ट में मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी और सेकंड में कटिंग और स्टिचिंग साथ में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बेबी कुर्ते का हमारे पास नाप है सीना 26, कमर 24 और जो लेंथ है वो है 30। तो 30 लेंथ की और 26 चेस्ट के और 24 कमर का हम ये कुर्ता कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने क्या करना है, जैसे हम फ्रंट पार्ट में और ये जो हमारी पट्टी है वो रखेंगे और इसको हाफ बंद और हाफ ओपन रखेंगे और नेक के अंदर ऊपर हम कॉलर लगाएंगे और जो हमारी कॉलर होगी वह भी हाफ ही होगी। तो हम हाफ कॉलर का और बैक साइड में फुल कॉलर, फ्रंट पार्ट में हाफ कॉलर होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरा इसकी कटिंग देखिए, बहुत ही इजी होंगी और फिर आप इसकी स्टिचिंग भी देखिएगा, वो भी बहुत इजी होगी। तो इसको हमने 4 फोल्ड में ऐसे फोल्ड कर लेना है और जो ये हमारी पट्टी है जिसको हम फ्रंट पार्ट में रखेंगे तो उसको हमें आगे की साइड में रखना है और इसको हमें कितना एक्स्ट्रा या अलग रखना है इसको हल्का सा भी, जितनी हमारी बीच की स्टिचिंग हो रही है देखिए इतनी हमारी सिलाई होगी जैसे इतनी, तो इतना ही हमें इसको एक्स्ट्रा रखना है। जैसे ये देखिए इतनी जो हमारी सिलाई होगी बीच के पार्ट की उतना हमें इसे बैक साइड के पार्ट से एक्स्ट्रा रखना है, बस इतना ही। इस प्रकार से हमें फोल्ड कर लेना है, इसको बराबर में फोल्ड कर लिया है। अब जैसे हमें 30 इंच तैयार चाहिए तो हमें कितना लेना है 32, 2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ हम मार्किंग करेंगे, ये हमारा 32 पे मार्किंग यहाँ पे हो गया है, ये यहाँ से 1 इंच से लेकर के और वहां है 32 इंच। ये इस तरफ देखिए ये रहा, ये हमारा 32 इंच लेंथ ले लिया हमने। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर जैसे हम लेते हैं सीने का छठा भाग, तो सीने का छठा भाग ब्लाउज में लेते हैं हम ये नाप, तो सूट में कैसे लेंगे, सूट में लेंगे हम सीने का छठा भाग प्लस 1 इंच। इसका छठा भाग हो गया 4.5 इंच प्लस 1 इंच 5.5 इंच। और किसी भी सूट के नाप के अकॉर्डिंग आप अगर फिट सूट पहनते हैं तो आप 4.5, देखिए ये जो लाइन है, देखिए आपको मैं बता देती हूँ पहले भी कि ये जो आधा इंच इसमें देखिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है हमने स्टिचिंग के लिए, तो इसको हम क्या करते हैं पहले लाइनिंग कर देते हैं। तो ये हमने आधा इंच जो हमारी एक्स्ट्रा ली हुई थी उस पर मार्किंग कर लिया है यहां से लेकर के नीचे 30 इंच तक, ताकि हमें जो इसका ध्यान में रहे। अब हमें क्या करना है, देखिए शोल्डर ये यहाँ से होंगे जो हमारी लाइनिंग है, ये देखिए सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ली हुई है, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। ये कितना है 5.5 इंच हमारे शोल्डर हो गए हैं। शोल्डर की हम जो आर्म होल लेते हैं या बाजू की जो हमारी नीचाई होती है वो हम कुछ न कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं, जिससे थोड़ा सा भी आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, हम एक्स्ट्रा लेंगे 1/2 इंच 1/2 इंच जो भी। तो इसमें हमने 1/2 इंच 1/4 इंच, तो ये हो गया 1/2 इंच 1/4, ये 1/2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया। ये देखिए 5.5 इंच पे हमने आर्म होल लिए है, बाजू की चौड़ाई ली है। अब हम यहाँ पे जो सेप लगाएंगे उसमें हम 1/2 इंच लेंगे और ये सेप हम ऐसे लगाएंगे हल्का सा बाहर, बिल्कुल एक सूत जितना बाहर लेंगे ऐसे। ये देखिए ये जो लाइन है और इससे बाहर जो है ये सिर्फ एक, जैसे कितना है कितना बाहर लिया हमने, ये जो एक लाइन है इससे एक लाइन बस इतना सा हमने बाहर लिया है। इस लाइन नेक की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच, ठीक है, और नेक की नीचाई लेंगे हम 4 इंच और इसको हमने इस प्रकार से नेक बनाना है। देखिए तिरछा होगा हमारा नेक यहां से और यहां तक,
तो ये हमारा नेक होगा। इसको हमने गोल नहीं दिया है, हल्का सा ऐसे वी आकार में, जैसे हमारी वी होती है, वी शेप नेक हमने इसे बनाना है। ठीक है, हमारे ये हो गई है, हमारा नेक हो गया, शोल्डर हो गया है, आर्म होल। अगर आप बैक साइड के, और हमने जो क्योंकि बच्चे के नाप से है, बिल्कुल मामूली सा आप शेप दे सकते हैं 5 इंच का, और आप चाहे तो बराबर में ही रख सकते हैं, क्योंकि ये 10 साल की और गुड़िया की जो फ्रॉक है, तो 10 ईयर्स ओल्ड बच्चे तक की ये जो कुर्ता होता है, इसमें ज्यादा शेप आप दोनों साइड में लगाए ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है, एक बराबर रखे तो भी कोई बात नहीं है। तो 26 का देखिए चौथा भाग हो गया 6.5 और प्लस लेंगे हम 1 इंच लूजिंग के लिए, प्लस लेंगे हम 1 इंच 7.5, ये हमारा हो गया चेस्ट का 1 इंच हमने लूजिंग ले लिया। ठीक है, कमर का नाप लगाएंगे हम 10 इंच नीचे, देखिए आधा इंच का पहले ऊपर में शेप लगा देते हैं, ये जो हमारा शेप होता है ये हमने शेप लगा दिया है यहां से यहां तक, 10 इंच नीचे हम कमर की मार्किंग करेंगे, कमर है हमारी 24.6 इंच और 1 इंच हम लूजिंग लेंगे, आप आधा इंच लूजिंग भी रख सकते हैं, और जो हिप्स की मार्किंग होती है हमारे कुर्ते में, इसकी हम लेंगे 16 इंच पे, ये हो गया हमारा 16 इंच पे इसकी हिप्स की मार्किंग हो गई। हिप्स है हमारे 26 इंच, तो वैसे ही 7.5 पे मार्किंग आएगी, तो इसको हमने अब मिला देना है, हिप्स टू कमर, हिप्स की मार्किंग कमर में और कमर की मार्किंग चेस्ट में, ऐसे हमें मिलाना है। इसके बाद हमें फिर 1 इंच का मार्जिन ले लेना है, सिर्फ 1 इंच का, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 1 इंच, और इस मार्जिन को फिर हमें ऐसे मिला देना है। और आपको फिर बता देते हैं कि ये 10 इयर्स तक के बच्चे के कुर्ता है, फ्रंट ओपन कुर्ता है, और नेक में और नेक साइड में जो कॉलर का कुर्ता है, कॉलर भी हमारी जैसे बहुत इजी होंगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ये यहाँ का नाप 10 इंच का है, ये यहाँ का नाप 16 इंच का है, और टोटल जो लेंथ है वो है 30 इंचेज, तो इसको हमने लिया है 32, ये यहाँ से 32 लिया है, देखिए यहाँ से 32 है, यहाँ तक हो गया है टोटल मार्किंग। अब हम इसको कट कर देते हैं, पहले कट करेंगे इसकी जो लेंथ है उसको, ये लेंथ कट हो गई है। अब जो ये नाप है इस तरफ से देखिए, हिप्स से जो नीचे का है वो डायरेक्ट ऐसे सीधा जाएगा, ये जो यहाँ से नाप है इसको हम ऐसे लेंगे, नीचे का पार्ट है उसको ओपन रखेंगे, यहाँ से इस प्रकार से हमारा जो सीधा नेप जाएगा नीचे तक, यहाँ से हिप्स से लेकर के और नीचे तक का, ठीक है, सीधा हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसकी आपको कटिंग दिखा देते हैं, दो पार्ट ऊपर के लेंगे, नीचे वाला बैक साइड है, बैक साइड का नेक आपको बताएंगे। यहाँ तक तो ये ऐसे सीधा कर लीजिए, और इसके बाद जो हमारी गले के आकार है ऐसे हम कटिंग करेंगे। ये हमारा 2.5 इंच का नेक कट चुका है, और जो शोल्डर कटिंग करेंगे शेप के साथ में, चारों पार्ट्स एक साथ में कटिंग करेंगे। बैक साइड में जैसे 1/2 इंच 1/4 इंच का हमने एक्स्ट्रा और ज्यादा एक्स्ट्रा ले लिया है फ्रंट पार्ट से, तो ये हमारा पीछे का जो दो ओपन के पार्ट है वो आगे के हैं, और जो दो पार्ट है वो ऑफ साइड के है वो पीछे के हैं। ऑफ साइड और ऑन साइड किसे कहते हैं, देखिए जैसे ये तो ऑन पार्ट है हमारे और ये हमारा ऑफ पार्ट है, तो ये ऑफ साइड का बैक साइड का है, और बैक साइड में हम कितना निकलेंगे, बैक साइड में बिल्कुल भी हल्का सा निकलेंगे हम इसमें, जैसे हमने ये 1.5 इंच का लिया है। आप इसको अगर ज्यादा गहरा डीप नेक बनाना चाहें तो इसके नीचे बाद में आप और बना सकते हैं, ये जैसे कॉलर लग जाएगा, इसके बाद में आप यहाँ से लेकर के और आप इस प्रकार से यहाँ तक नेक बना सकते हैं, ये आपका नेक हो सकता है, ये हमारा कॉलर का मार्किंग है। तो इस प्रकार से ये हमारा
अब हम आगे किसकी जो लॉन्ग है वो आपको कटिंग बता देते हैं। यहाँ से कमर तक, फिर कमर से हिप्स तक, और हिप्स के बाद हमारी जो कटिंग होगी वो सीधी होगी, डायरेक्ट कटिंग होगी। हल्का सा हमारा शेप जो है कटिंग का वो बिल्कुल फिनिशिंग तक के साथ होना चाहिए। और इस प्रकार से हम नीचे तक ठीक इसकी पूरी लॉन्ग कटिंग कर देते हैं। यहाँ तक हमने कटिंग किया, फिर बराबर में ले लिया है, यह हल्का हल्का हमने इसको कट कर दिया है। तो ये हमारा कुर्ते की मार्किंग और कटिंग कर दी है। अब हम आपको इसकी नेक तो सिलाई की स्टिचिंग के टाइम में होती है नेक इसकी, तो नेक की हम आपको कटिंग भी दिखाएंगे और यहाँ तक हमारी नेक चलेगी उसकी स्टिचिंग भी दिखाएंगे। जो बीक साइड का नेक है उसकी हम इस प्रकार से कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा 1.5 इंच का सिर्फ नेक है और आप अपने घर पे इस प्रकार से कटिंग करके अपनी बच्ची को 10 साल की है उसको पहना सकते हैं। बाजू में आप पाइपिन लगा सकते हैं। नेक में हम पाइपिन और वो कॉलर दोनों स्टिच करेंगे और फ्रंट पार्ट पे हम ऑफ और ओपन दोनों रखेंगे। तो इसकी स्टिचिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू। टोटल मार्किंग करने के बाद आप 3 कट लगाइएगा, एक चेस्ट पे जो हमारे स्टिचिंग के लाइन है, दूसरा कमर पे चारों पार्ट्स पे, ठीक है, और तीसरा हमारा हिप्स पे, ताकि आपको चारों पार्ट्स पे पता चले कि हमारे हिप्स की है जो यहाँ तक है, हमारी कमर की ये मार्किंग है और हमारा चेस्ट का ये मार्किंग है। तो ये आप 3 कट अपने कुर्ते में जरूर आप हमेशा लगाए रखें ताकि आपकी स्टिचिंग बहुत अच्छी बनेगी। थैंक यू। ये हमारे सूट के फ्रंट पार्ट हैं और सबसे पहले हम इनको स्टिच करेंगे। तो इसको हम 3 इंचेस तक ओपन रखेंगे और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ऊपर में 2 या 3 इंचेस गर्ल्स के अकॉर्डिंग ओपन रख सकते हैं आप, और उसके बाद आपको जितना ऑफ करना हो उतना आप ऑफ कर लें, उसके बाद फिर आप ओपन कर सकते हैं। ये इस प्रकार का आजकल ओपन पैटर्न चल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो आप इस प्रकार से ओपन पैटर्न और लॉन्ग कुर्ता जरूर स्टिच करें। तो इसको हमने लगभग 20 इंचेस तक ऑफ कर दे रहा है, 18 या 20 इंचेस तक। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 18 इंचेस तक हो गया है और इसको हम इतना ही ऑफ करेंगे 18 इंचेस तक, क्योंकि ये लगभग 10-11 साल की गर्ल्स के लिए है। तो इसको 18 इंचेस तक फ्रंट में ऑफ कर दिया है और अब ये ओपन हो जाएगा। ऊपर का जो पार्ट है इसको आप ऐसे फोल्ड कर लें, सीधा फोल्ड करना है। आप चाहे तो इस पे कोई बटन या डोरी वैसे डेकोरेट कर सकते हैं ऊपर से, बाकी इसको ओपन रख सकते हैं इसमें। ये हमारा फ्रंट का पार्ट यहां तक हो गया है। अब हम इसमें शोल्डर जॉइंट करेंगे और शोल्डर के बाद में हम इसमें कलर जॉइंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का हो गया स्टिच, ये देखिए ये। और इस सिलाई को आप चीर लें यहाँ से, जैसे ही आप इस सिलाई को यहाँ से चीर लें, ये जो दो पार्ट्स हैं इसको आप, ताकि आपकी जो ड्रेस है वो बहुत अच्छी लगेगी। देखिए ये ऐसे यहाँ से हमने चीर लिया इसको, तो यहाँ से देखिए इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आ जाती है। कॉलर के लिए है ये हमने 6.5-13 इंच की पेस्टिंग ली है और इसको हम बीच से स्टिचिंग कर लेते हैं, एक सिलाई लगाएंगे। ये हमारी 13 इंच कॉलर थी सूट की, उसके अकॉर्डिंग हमने 6.5 इंच लिया है। अब हम यहाँ से 1 इंच का कोण लगाएंगे और ये जो मिडिल सेंटर, जैसे यहाँ से हाफ से ही इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें जैसे 13 इंच चाहिए तो इसको हम देखिए, फिर पहले हमने सीधा डायरेक्ट इसका नाप लिया था तो 13 था, अब ये 13.5 हो गया है।
तो अगर हमें 13.5 रखना है तो ठीक है, और अगर हमें 13 रखना है तो इसको थोड़ा सा आगे से कट करेंगे, जैसे इसको ऐसे हम हल्का सा कट करेंगे। अब ये देखिए, आपको जितना कॉलर रखना हो, 1 इंच या 1.5 इंच या 1.25 इंच, तो हमने 1 इंच रखना है, तो इसको हम इस प्रकार से 1 इंच की मार्किंग करेंगे। और ये हमने इसके 1 इंच के इस प्रकार से मार्किंग कर लेनी है। अब ये यहाँ से हम इसको हल्का सा ऐसे देखिए, ऐसे ये राउंड, ये यहाँ से हम ये राउंड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड से इसके ऐसे कटिंग करते हैं, यहाँ से हल्का सा अंदर की ओर लेते हुए, और ये ऊपर का जो हमारा एक्स्ट्रा था उसको हमने कट कर लिया है, और इस प्रकार से हम इसको कॉलर को कटिंग कर रहे हैं जितनी की हमारी मार्किंग है। तो ये हमने कॉलर की कटिंग कर ली है, और अब जो हमारी ये सिलाई थी इसको हम खोल लेते हैं जो यहाँ इसमें आई हुई है। ये हमारी कॉलर बन गई है, और इसको जैसे ही हम स्टिच करेंगे इसके बाद, ये देखिए ऐसे ही हमारी कॉलर रहेंगी, ये हमारी नीचे की साइड होगी, जॉइंट होने वाली ये साइड है, और ये साइड ऊपर की साइड होगी। तो ये ऐसे हमारी कॉलर रहेंगी, ये देखिए जो हमारा नेक है उस पर इस प्रकार से ये कॉलर लगेंगी। तो इसको हम सबसे पहले इस कपड़े पे स्टिच करते हैं, ये हमारा जैसे कपड़ा है। तो सबसे पहले आप ओप साइड में, और इसकी जो ऊपर की साइड है इस पे हम पहले कच्चा स्टिच कर लेते हैं यहाँ से। ये हमने इसको पहले एक सिलाई कच्ची स्टिच कर ली है, और कच्ची स्टिच करने के बाद देखिए जो आगे का पार्ट्स है इसको हम ऐसे स्टिचिंग करेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा नीचे का कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हमें पूरा कैनवास के ऊपर फोल्ड कर लेना है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अलग कर देंगे, जितना भी इसमें एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा को अलग कर दिया है, अब इसको डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, और ये थोड़ा हमारी जो बस्टिंग है उससे नीचे तक रहना चाहिए। अब हम इसकी जो ऊपर की साइड है इस पर हम इसको स्टिच करेंगे ऊपर के पार्ट्स में ऐसे। ये जो स्टिचिंग है यह हम इसकी एक सिलाई करेंगे। बिल्कुल पेस्टिंग के पास पास में और आपको स्टिचिंग करनी है। प्रकार से पूरे राउंड में आई हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिएगा इस प्रकार से, और कट करके फिर कट लगा देना है बीच में, हल्के हल्के कुछ कट लगा करके फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे हम इस पर कट लगा देंगे जहाँ तक कि हमारी सिलाई पे न लगे, कट लगा करके। और अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे ये देखिए, इस प्रकार से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। और ये हमारी जो ये स्टिचिंग है ये लास्ट में हम खोलेंगे, कॉलर लगाने के बाद में इसको हम खोल देंगे, जिस पे जो कि हमने पेस्टिंग को चिपकाने के लिए। ये देखिए ये हमारी कॉलर बन करके तैयार है। कॉलर को एक स्टिच कर सकते हैं आप इस प्रकार से ऊपर ऊपर, दोनों पार्ट्स को बराबर में रखते हैं।
ये हमने कॉलर की स्टिचिंग कर ली है और अब हम इसको सूट पे लगाएंगे। ठीक है, नीचे से इसको स्टिच करके फिर ऊपर साइड में फोल्ड करना है और ये ऐसे रहते हैं। और ये हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं, अब हम इसमें कॉलर जॉइंट करेंगे जो हमने बनाई है। और ये हमारी कॉलर है और अब हम इसमें जो ये मिडिल सेंटर पे हमने मार्किंग कर लिया है इसको हम अब हम अटैच करेंगे नेक से लेकर के। तो सबसे पहले हम नेक से स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग, यहाँ से स्टार्ट से। यहाँ से आप इसको स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमने एक साइड में से कॉलर को अटैच कर लिया है, अब हम इसको ऐसे अंदर अंदर डालेंगे ऐसे और ये हमारी जो कॉलर है ऐसे अटैच हो जाएगी ऊपर जो है ऊपर की साइड में और ऐसे इसकी स्टिचिंग हो जाएगी। यहाँ से ऐसे यहाँ से हम स्टार्ट से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। कॉलर को हमने रख दिया है, इसको हम ऐसे दबाएंगे, सीधी सिलाई करनी है। अब कुछ नहीं, इसको बनाने में ज़्यादा भेद होता है, लगाने में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो सीधा स्टिचिंग करना है हमें। इसको यहाँ से अब डालें और सीधा स्टिचिंग करें। और ये हमारी कॉलर लग चुकी है पूरी नेक के चारों और ये नेक बन चुका है। देखिए ऐसे ये हमारा नेक बन चुका है। कॉलर के बाद हम बाजू जॉइंट करेंगे। बाजू को ऐसे आगे से फोल्ड कर लेते हैं। बाजू को हमने आगे से फोल्ड कर लिया है और अब हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। बाजू का ये मिडिल सेंटर है, आपको यहाँ सेंटर पे ही रख करके स्टिच करना है। अब फ्रंट पार्ट की बाजू है ये बैक साइड की बाजू है, तो इसी प्रकार से आप दोनों साइड में बाजू अटैच कर लें और जो एक्स्ट्रा बाजू है उसको कट करके और इसकी फिटिंग की सिलाई देनी है। फिर हमें बाजू अटैच करने के बाद जैसे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बाजू एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट करके अलग कर देंगे और जो हमारी मार्जिन की स्टिचिंग है वो सिलाई करेंगे। इसको हमने ऐसे कट कर देना है यहाँ से और इस तरफ भी जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब हम सीधी इसकी मार्जिन की जो सिलाई है
वो सिलाई लगाएंगे। डायरेक्ट इसकी मार्किंग कर लेते हैं, नाप इसका नाप ओके करके देखिए, हमने इस पे मार्किंग कर लिया है। यहाँ हमारे हिप्स तक, ये हमारा कमर का पार्ट है, ये चेस्ट का है, ये जो चेस्ट का है, तो नाप के अकॉर्डिंग ऐसे ही मार्किंग कर लिया वन साइड और ये दूसरी साइड। यहाँ तक हमें स्टिचिंग करना है और नीचे से ये ऐसे ओपन, फ्रंट स्लाइट ओपन है और साइड ओपन है, तो इसके हम यहाँ से बाजू से लेकर के यहाँ तक स्टिचिंग कर रहे हैं। और ये हमने फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली है। अब देखिए जो साइड है उन्हें हमें फोल्ड करना है, तो आपको पता है साइड को कैसे फोल्ड किया जाता है। यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया है, और यहाँ से स्टिच करने के बाद क्या है, दोनों जो साइड्स होती है बहुत अच्छे से फोल्डिंग हो जाती है। जैसे ये पार्ट्स है, इसको आप ऐसे करके और ऐसे फोल्डिंग होगी, ये हमारी ये जो साइड है इसको ऐसे फोल्डिंग करना है इस प्रकार से, ठीक है। और जैसे ये साइड फोल्ड होगी वैसे ही ये साइड भी ऐसे ही फोल्ड हो जाएगी, नीचे तक आप इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे, तो ये इस प्रकार से यहाँ स्टिच होके फिर दोनों साइडें फोल्ड हो जाएगी। नीचे से हम इनको फोल्डिंग कर रहे हैं, और फोल्डिंग करने के बाद देखिए ये साइडें हैं, इनको फोल्डिंग करने के बाद बस नीचे से जितनी लेंथ रखनी है रख लीजिए, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको आप मोड़ दीजिए। तो ये इतना ही होता है, और जो हमारा कुर्ता है, जो बेबी कुर्ता है, वो उसकी स्टिचिंग पूरी हो जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये कुर्ता, इसकी कटिंग अच्छी लगी हो, और कटिंग विद स्टिचिंग दोनों साथ में है तो अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आ गए हैं हम, जो हमारा सेंटर था हिप्स का, और हिप्स से हम यहाँ इसको ऐसे फोल्ड करते हैं। आप चाहे तो इस पर तुरपाई कर सकते हैं, इस साइड पे जो ये साइड ओपन रहती है, यहाँ पे आप सिलाई भी रख सकते हो और आप तुरपाई भी रख सकते हो। तो ये इस प्रकार से हमारी साइड फोल्ड हो जाती है बहुत आसानी से। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।